चिल्ड्रन, अब हम स्टार्ट करेंगे पाठ तीन जिसका नाम है जेल में मेरे मित्र। और इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइज वगैरह हम इसमें देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो पहला शब्दार्थ देख लेते हैं, फुर्सत मतलब खाली समय, अटखेलियाँ मतलब खेल कूद, सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट सबसे अच्छा, समरसता यानी कि सेम एक जैसा, भयभीत का अर्थ होता है डरा हुआ, वार्डन जेल के वार्ड का रक्षक, वार्डन बोलते हैं ना जिसको, जैसे हॉस्टल्स के अंदर भी वार्डन होते हैं, जेल में भी वार्डन होता है जो उसका देखभाल करता है, निरंतर निरंतर यानी कि लगातार बिना रुके हुए। तो सबसे पहले इस पार्ट के अंदर दिया गया है एक गतिविधि यहाँ पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं उनके ऊपर एक प्रस्ताव लिखिए, यहाँ पर प्रस्ताव लिखा है भाई, प्रस्ताव होता है प्रस्ताव, आ की मात्रा लगा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए देख ही लेते हैं इसको भी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी का जन्म ब्रिटिश भारत के इलाहाबाद में हुआ था। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को एक संपन्न कश्मीरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू एक प्रसिद्ध और बहुत ही विख्यात यानी कि फेमस वकील थे, इतना तो आप जानते होंगे इनके बारे में। नेहरू जी ने 1910 में ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक पास किया, स्नातक होता है ग्रेजुएशन, यानी कि उन्होंने डिग्री प्राप्त की ग्रेजुएशन की ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से। पंडित नेहरू को शुरू से ही बच्चों से बहुत प्यार था, लगाव था, वो तो हम जानते हैं, इसी तो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है भाई उनके नाम पे। पंडित नेहरू को चाचा नेहरू बच्चों द्वारा ही पुकारा जाता था, तो बच्चे उनको चाचा नेहरू बोलते थे। बच्चों से इनके इतने प्यार के लिए इनके जन्मदिवस को बाल दिवस भी कहते हैं, तो जब इनका जन्म हुआ था उस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत की स्वाधीनता की मांग करते हुए 1929 में सर्वप्रथम इन्होंने ही तिरंगा फहराया, तो हमारे लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग करते हुए इन्होंने ही 1929 में पहली बार तिरंगे को लहराया था। 1942 और 46 के बीच में अपने कारावास के दौरान, कारावास कहा जाता है जेल यानी कि इम्प्रिजनमेंट, जब ये जेल में थे, कारावास मतलब जेल में, जब ये जेल में थे तो इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। ये किताब काफ़ी फेमस है, आप किसी भी बुक स्टोर से, आई थिंक गूगल पे, ऑनलाइन भी आप इसको देख सकते हो। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी। नेहरू जी का निधन 27 मई 1964 को हृदयघात के कारण हुआ। हृदयघात का मतलब होता है हार्ट अटैक, और 27 मई नहीं होता है, 27 मई होता है। ये बच्चे भी क्या क्या गलतियाँ करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा एक छोटी सी एक पैराग्राफ बोल सकते हो, एक शॉर्ट ऐसे बोल सकते हो इनके ऊपर। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पकड़ते हैं अभी। चलिए तो सबसे पहला प्रश्न है, नेहरू जी किन किन जीवों को देखकर आनंदित होते थे, आनंदित मतलब प्रसन्न खुश होते थे। नेहरू जी किन जानवरों को देखते थे, पहले तो देखें भाई, गिलहरी बहुत ही खूबसूरत प्राणी है, तोते वाह, चिड़िया बहुत खूबसूरत, कोयल, कबूतर, मैना, इन सब प्राणियों को देखकर वो बहुत ही खुश होते थे। खैर ये तो इतने खूबसूरत प्राणी हैं कि इनको देख के तो हम भी गदगद हो जाएं। उनका आंगन सूना और उजड़ा हुआ कैसे न था, उनका आंगन सूना और उजड़ा हुआ नहीं था कैसे। उनके आंगन में तरह तरह के जीव जंतु रहते थे, कौन रहते थे, तरह तरह के जीव जंतु, इसलिए वे कहते थे कि मेरा आंगन सूना या उजड़ा नहीं है। गिलहरियां कहाँ रहती थी और क्या करती थी, भाई गिलहरियों की तो बात छोड़ दीजिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने भी गिलहरियों को, मतलब दो बच्चे जो थे वो ऊपर से गिर गए थे पेड़ से, तो मैंने भी उनको उठाकर घर में रखा, छोटे छोटे थे, इवन उनको ड्रॉपर से दूध पिलाने की भी कोशिश की बट बहुत मुश्किल हुई, तो दो दिन तक तो संभाला उनको, एट द एंड फिर उनकी माँ आकर उनको लेकर ही गई। इसका एक ब्लॉग भी मैंने डाला हुआ है मेरी डॉटर के चैनल पे जिसका नाम है कौर सुवरीन ब्लॉग्स, तो कौर सुवरीन ब्लॉग्स के ऊपर भी आपको ये ब्लॉग दिख सकता है, बहुत ही खूबसूरत, छोटे छोटे लगभग एक दो दिन के होंगे वो बच्चे, और उनकी माँ जब उनको लेकर गई तो मैंने बहुत ही रिलैक्सेशन की सांस ली कि चलो आखिर माँ और बच्चों का मेल हो गया। तो गिलहरियाँ जो हैं वो कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं। गिलहरियाँ जो हैं उनका झुंड
पेड़ों पर घूमता रहता है। अक्सर ही देखा होगा आपने, कभी कभी गिलहरी नेहरू जी के ऊपर चढ़कर बैठ जाती। गिलहरियां ना, जब हमारे साथ उनका टचअप हो जाता है, वैसे तो बहुत ही शर्मीली और डरने वाली जानवर होती है, क्योंकि बहुत ही नाजुक होती हैं, लेकिन जब हमारे से उनका डर निकल जाता है तो फिर वो बहुत ही अच्छे से हमारे साथ खेलती कूदती हैं, जैसे नेहरू जी के ऊपर बैठ जाती थी चढ़कर। और जब वह जरा सा हिलते तो घबरा कर भाग जाती। अब ऊपर बैठ जाएगी, लेकिन जैसी थोड़ा हिलचल होगी तो वो भाग जाएगी। बहुत ही नाजुक जानवर माना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लखनऊ की जेल में एक गिलहरी नेहरू जी के साथ क्या करती थी? लखनऊ की जेल में एक गिलहरी नेहरू जी के पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती थी और उनके मुंह की ओर देखने लगती थी। गिलहरी क्या करती थी? गोद में बैठ गई और उनके मुंह को देखने लगेगी। वह उनकी आंखों को ध्यान से देखती और महसूस करती कि वह पेड़ नहीं है। जब नेहरू जी थोड़ा सा भी हिलते तो वह घबरा कर भाग जाती। अब गिलहरी जो थी आकर बैठ तो जाती, लेकिन फिर देखती उनके मुंह की तरफ भी, ये पेड़ तो है नहीं जिस पे मैं बैठी हूँ। और जैसे ही थोड़ा हलचल होती थी, मूवमेंट होता था नेहरू जी के द्वारा, वो तुरंत भाग जाती थी डर के। किन जानवरों का स्वागत हम नहीं कर सकते? भाई कुछ जानवर भाई सच में ऐसे होते हैं जिनका हम स्वागत नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग जवाब भी उसका। सांप भाई, सांप, बिच्छू, खटमल, मच्छर, मक्खियाँ, ये ऐसे जीव जंतु हैं जिनका हम स्वागत नहीं करना चाहेंगे। हमारे घर पे अगर सांप आ जाए, हम उनको वेलकम नहीं करेंगे। बिच्छू हो गया, खटमल हो गया, मच्छर हो गया, मक्खियाँ होगी, ये तो घर में चाहिए ही नहीं। अगला प्रश्न है बच्चों, नेहरू जी ने सांप मिलने की खबर समाचार पत्र में छपने की घटना का स्वागत क्यों किया? नेहरू जी ने सांप मिलने की खबर समाचार पत्रों में छपने की घटना का स्वागत किया क्योंकि, यहाँ तक तो सब प्रश्न में से आ जाएगा भाई, आंसर अब शुरू हो रहा है। क्योंकि जेल का जीवन रोज एक जैसा होता है और इस प्रकार की घटना उन दिनों को अलग बनाती है। अब जैसे ही घटना का पता लगा तो नेहरू जी जो थे, जेल की जो डेली शेड्यूल होता है, रूटीन होता है, वो कैसा होता है भाई? वो तो सेम एक ही होता है, एक समय पे उठो, फिर जो एक्टिविटीज़ होती है वो सारी करनी, जैसे हॉस्टल्स में होता है वैसा ही, तो पूरी एक्टिविटीज सेम ही रहती है। तो ऐसे में कुछ नया, कुछ अलग बनाया इस घटना ने दिन को, इसलिए उन्होंने इस घटना का स्वागत किया। अब आशय स्पष्ट करना है भाई हमको, आशय स्पष्ट करेंगे हम। प्रश्न है हमारा, मेरी शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। देहरादून की जेल में नेहरू जी 14 महीने रहे, 14.5 महीने लगभग होगा या 14 महीने होगा, बुक में देख लीजिएगा आप, आपकी कितने महीने रहे थे, स्टोरी आपको पता है तो आपको पता ही होगा कितने महीने रहे थे। तो वो लगभग 14 महीने रहे थे। अपने सामने आने जाने वाले जानवरों और कीड़ों को वे बड़े ध्यान से देखते और अपना समय बिताते, प्रकृति के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते, इसलिए उन्हें अपना जेल रूपी घर का आंगन सूना न लगता। अब वहाँ पर वो 14 महीने लगभग रहे, तो आने जाने वाले जितने भी वहाँ पर जानवर थे, छोटे मोटे, भले वो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं या आप चिड़िया पक्षी किसी भी तरह के, तो उनको बड़े ध्यान से देखते थे ताकि उनका समय पास हो, टाइम पास हो, और ऐसे में उनका जो एक जुड़ाव लगाव था उनसे बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए वो कहते हैं कि मेरा जेल रूपी घर जो है, जेल के रूप का जो घर है, क्योंकि जेल को उन्होंने घर कहा है अपना, वो सूना नहीं है। वे मुझे अपने मित्रों जैसे लगे क्योंकि वे मेरे अकेलेपन के संगी साथी थे। नेहरू जी को जेल में जितने भी जीव जंतु और कीड़े मकोड़े मिले, उतने पहले कभी नहीं मिले थे और न ही कभी उनके साथ समय बिताने का, उनके क्रियाकलाप देखने का मौका मिला था। जेल ही में ही उनके साथ होकर उनका समय व्यतीत हुआ, इसलिए वे उन्हें मित्रों जैसे लगे। अब नेहरू जी जब जेल में थे तो उनके साथ बहुत सारे कीड़े मकोड़े यानी कि जीव जंतु उनको मिले, इससे पहले ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। कितने जीव जंतु उनको कहीं मिले हों, और
हमें डेली लाइफ में हम इतने बिजी होते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता है कभी कि हम किसी जीव जंतु को उसकी एक्टिविटीज़ को बड़े ध्यान से देख सकें, सुन सकें। तो ऐसे में इनको मौका नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर इनको ये मौका मिला, इसलिए ये उनको ज़्यादा जान पाए और इनको ऐसा लगा कि वो जो हैं, वो जीव जंतु जो हैं, वो इनके घर के लोगों जैसे या मित्रों जैसे ही हैं। तो बच्चों ये था हमारा वीडियो आज का। अगर वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।